नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह, आप देख रहे हैं BPDM YouTube चैनल। आज के वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी सूचना के ऊपर। जो भी छात्र पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और उनका 7 तारीख को मेरिट लिस्ट निकल चुका है और वो अपने मेरिट लिस्ट दे चुके हैं, तो मेरिट लिस्ट में वहाँ पे लिखा होगा प्रोसीड टू कॉलेज, जिस कॉलेज में उनका नामांकन सेलेक्ट हुआ होगा वहाँ पे, तो उनका एक लिंक खुलेगा कॉलेज के पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे, वहाँ पे जाकर उनको एडमिशन लेना है। और आपको बता दें कि ये जो है 14 सितंबर तक ही आपका लास्ट डेट है, शायद लास्ट डेट बढ़े लेकिन उसका इंतजार मत करिए, आप अपना एडमिशन करवा लीजिए। और उस लिंक पे आपको जाकर जो है एडमिशन करवाना है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना है और आपको फिर पेमेंट करना है एडमिशन पे। और आपको इसमें इस बीच में कॉलेज में जाकर कोई भी काम नहीं है, सब काम ऑनलाइन ही होना है। क्या सूचना आया है वो सूचना हम आपको दिखाते हैं। चलिए आपको हम सूचना दिखाते हैं। सूचना में लिखा गया है कि छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरने के बाद, मतलब कि सबसे पहले आपको कॉलेज पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे नहीं, कॉलेज पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है। और उसके बाद दूसरे दिन PPU के एडमिशन पोर्टल पे, मतलब कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके जांच कर लेना है कि कॉलेज द्वारा आपका नामांकन जो है वो कंफर्म हुआ है कि नहीं। यदि कंफर्म हुआ है तो अच्छी बात है, यदि कंफर्म नहीं हुआ है तो एक दिन आपको इंतजार करना है। और उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन करने के तीसरे दिन बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिशन कंफर्म होने के बाद अपने लॉगिन करिएगा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, और रजिस्ट्रेशन का फीस जो होगा, एडमिशन फी होगा, वो पे करिएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि फी पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि आप यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन अधूरा रह जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा जो आप फी पेमेंट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन यदि नहीं होगा तो आपका फी वाला मामला जो है गड़बड़ा जाएगा, आपका फी बेकार में ही लग जाएगा और आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आप फी रजिस्ट्रेशन फी भुगतान नहीं करते हैं तभी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो खास बात ध्यान रखना है कि आपको एडमिशन करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है और उसके तीसरे दिन बाद कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे जाके आपको वहां पे चेक कर लेना, और साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी पे एडमिशन पोर्टल पे जाकर वहां पे जांच कर लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। तो यही सूचना थी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कैसे करना है एडमिशन के लिए अप्लाई पोर्टल पे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।